आगरमालवा जिले के नलखेड़ा के सीनियर बालिका छात्रावास में अधीक्षिका और छात्राओं के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते जमकर हंगामा हुआ। छात्राओं का कहना है कि मैडम हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। मामले में जब हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे के द्वारा आदिम जाति आशा चौहान से फोन के माध्यम से बात करना चाहिए तो उन्होंने बैठक में हूँ कहकर फोन काट दिया, फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। अधिकारी की चुप्पी समझ से परे हैं। आइए देखते हैं न्यूज भारत की यह खास रिपोर्ट। जो लड़ाई हुई उसका मेन मुद्दा मुझे बनाती है कारण, क्योंकि मेरी दीदी को मैम ने बोला था कि भैंस ऐसा करके मैडम ने बोला था दीदी को, तो मैंने वो बात दीदी को आके बोल दी। इस कारण से मैडम पूरी पुलिस का समस्या लड़ाई का मुद्दा मुझे बना रही है कि शामू की वजह से हुआ है सब। और है ना, मैडम रात को आई थी रूम में और मारे बोले कि शानू तू यहाँ से बोले कि सर बांध के यहाँ से चली जा। मेरी समस्या थी सर कि मैडम ने मेरे को है ना यूँ बोला जन किसी लड़की के सामने कि ये भैंस सुबह तो इतनी बोल रही थी, अब क्यों नहीं बोल रही मेरे सामने, इतनी सी बात हुई थी। उस लड़की ने मेरे को बोला तो मैं तुरंत मैडम के पास आई, मैंने कि मैडम रुको आपसे मेरे को 5 मिनट बात करनी है सिर्फ, तो मैडम मैंने कि मैडम आपने ऐसा बोला क्या, तो मैडम ने मना कर दिया कि नहीं बोला बेटा मैंने ऐसा। और लड़की ना शानू नाम की वो बोल रही कि दीदी ऐसा बोला आपने, और फिर मेरे को बोला कि तेरे चरित्र देखे तेरे गुण देखे मैंने कि तू कैसी है, और मैंने सिर्फ है ना वो शुरुआत में ऐसी बात बोली थी मैंने कि मैडम है ना मैंने कि जो हमारे हिस्से का खाएगा ना उसको कीड़े पड़ेंगे, पर बल्कि उनका बच्चा बच्चे की नहीं बोली थी, और मार का ही बोले भी क्योंकि बच्चा बच्चे पैदा करके देख दें फिर मार्जिन कीड़ा पड़ गया जिसे मालूम पड़े। तो यहाँ पे समस्या ये है कि इनको इससे हॉस्टल से निकासित किया जा रहा है या फिर इनकी कोचिंग बंद की जा रही है, दोनों में से। उसके बाद में यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं मेरी बालिकाओं को दोनों को यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ। सिक्योरिटी नहीं है सिक्योरिटी नहीं यहाँ, ये मैडम दोनों रात को घर चली जाती है, रात में यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं इनकी, यहाँ पे जो ये कर्मचारी है मतलब जो काम करते हैं। सर मैंने मेरे बच्चों से इनसे कभी किसी से कोई भी मैंने आप शब्द नहीं बोला, कोई ना किसी बाहरी व्यक्ति की शिकायतें मेरे हैं कि लड़की आ रही है, और जो लड़की आ रही है वो मेरे हॉस्टल की भी नहीं है क्योंकि मैं उनकी अधीक्षिका नहीं हूँ, मैं अधीक्षिका हूँ उत्कृष्ट बालक छात्र बालिका छात्रावास की, और जो लड़कियाँ मेरी झूठी शिकायत कर रही है वो बाहर के लोगों के कहने में है और दूसरे लोगों की शिकायत में है, और वो उन लोगों के कहने में मेरी सिक्योर को मतलब यहाँ से निकालना चाहती है, मेरे लिए को नुकसान पहुँचाना चाहती है। बाकी आज तक मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे आप शब्द नहीं बोले, यहाँ तक कि उन लड़कियों ने मेरे लड़कियों के सामने ये बोला कि उन मैडम के कीड़ा पड़े उनको छोड़ो एक ही उनको एक ही हो और मतलब ऐसा जाए, और मैंने उसके बावजूद इतना सुनने के बावजूद भी मैंने उन लड़कियों को जाके ये नहीं बोला।